हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लर्क की वैकेंसी आई हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। इस पर आने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, उसको कन्फर्म करने के लिए दोबारा फिल करेंगे, फिर आप अपना मिडिल नेम फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे लास्ट नेम फिल करेंगे, इसके बाद आपका फुल नेम यहाँ शो होने लगेगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दोबारा एंटर करेंगे, आप कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे और डोमेन नेम में आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप इस कैप्चा को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। इसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। इसके साथ में ही नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में ही हमें एक पासवर्ड दिया गया है। आपको SMS के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि आपकी 20 KB से 50 KB तक होनी चाहिए। इस फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप नीचे आई कंफर्म के ऑप्शन पर टिक कर देंगे। इसके बाद आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर का जो साइज है वह 10 KB से 20 KB तक होना चाहिए। इसके बाद अपलोड करने के बाद आप नीचे यहाँ आई कंफर्म के ऑप्शन पर टिक कर देंगे, फिर आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर सर्कल सिलेक्ट करना है कि आप किस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर सर्कल प्रीफ्रेंस 1 में सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रीफ्रेंस 2 भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहां पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिसके बाद आप यहां से अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपने हाई स्कूल इंटर किया है तो वो आप यहां से यस कर लेंगे। इसके बाद आप यहां से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहां पे आप इसे ओके कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर अपनी सबकास्ट एंटर करनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो आप यहाँ से यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, इसके बाद देखिए आप यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे आपको अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी बतानी है कि अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहां से यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं उसके लिए भी यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहां से यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन DXX से हैं तो आप यहां से यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहां पे पूछा गया है कि आप ऑलरेडी SBI में वर्क कर रहे हैं, तो आप यहां से यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप फिर से यहां पे यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपका कोई लोन ड्यू है तो आप यहाँ से यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो वो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिसके बाद स्टेट कोड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करना है, तो वो आप इस लिस्ट से सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट बतानी है जहाँ पे आप अपना मेन एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका कोड यहाँ पे लिखा आ जाएगा, जिसके बाद आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे कि आप मेन एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आप देखिए टिक कर देंगे। इसके बाद आप आईडी अपनी देंगे, इस लिस्ट में से आप कोई भी एक आईडी दे सकते हैं। जैसा कि हम आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे अपने पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस तरीके से आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, आपकी एज देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गई है। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो वो आप यहाँ से यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ नीचे आएंगे, जिसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर का फर्स्ट नेम फिल करना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम,
जिसके बाद आप अपनी मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड का नेम फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है, जिसमें कि आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पे नीचे आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे पिन कोड फिल करेंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पे टिक लगा देंगे, जिसके बाद आपका एड्रेस यहां पे खुद ही फिल होके आ जाएगा। अगर आपका एड्रेस अलग है तो आपको यहां पे मैनुअली फिल करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहां पे आप वैलिडिटी और डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी हैं। इसको आप ओके कर देंगे। इसके बाद आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपको यहां पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है, जिसमें सबसे पहले आप यहां पे ग्रेजुएशन के बारे में फिल करेंगे। अगर आप अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप यहां पे अपीयर्ड में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पास कर चुके हैं तो आप पास में सेलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग फिल करेंगे, जिसमें आप पूरी डेट यहाँ फिल कर देंगे। फिर आपकी ग्रेजुएशन में कितनी परसेंट थी तो वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी डिटेल इसी तरीके से फिल कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो इसी तरीके से आप पूरी डिटेल को यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आप यहाँ से यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आपको बतानी है कि आपको हिंदी पढ़नी आती है। अगर आपको आती है तो आप यहाँ टिक कर देंगे, लिखनी आती है तो आप टिक कर देंगे, बोलनी आती है तो आप टिक कर देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे तीन और कोई लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, जो कि आप यहाँ इसी तरीके से उनके सामने टिक लगा लेंगे। इसके बाद नीचे आप वैलिडिटी और डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। इसको आप ओके कर देंगे। आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके बाद आपके सामने आपके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे अपने लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसका जो साइज रहेगा वह 20 KB से 50 KB तक रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे हैंड रिटन रेगुलेशन अपलोड करना है, जिसका साइज 50 KB से 100 KB तक रहेगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको यह लिखना होगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे आई, इसके बाद आप अपना पूरा नेम लिखेंगे, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, बाकी आप सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आप उसका फ़ोटो लेके अपलोड करेंगे। इसके बाद आप इस कैप्चा को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप अपने इस फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आप ऊपर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।